What's up guys, this is Guru Maan. यह है मैस अप मील नंबर 3 लंच. यह है मसल बिल्डर पोटैटो बॉल. यस, अगर आप देखें ये मसल बिल्डिंग प्रोग्राम है और हमारी मील भी मसल बिल्डिंग मील है. तो अगर आप देखें इसके अंदर सब कुछ आपको कलर्स दिख रहे हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको चाहिए मसल के ग्रोथ के लिए, मसल मैस के लिए, साइज के लिए, सब सारे इसके अंदर प्रेजेंट है. सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने रेसिपी कैसे बनाई और फिर बात करते हैं क्या क्या इसके अंदर है और क्या इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है. लेट्स चेक आउट द रेसिपी फर्स्ट. सो हमें यहाँ पर चाहिए स्वीट पोटैटो, उसके साथ हमें चिकन है 50 से 60 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, 50 से 60 ग्राम लो फैट पनीर, मेरे पास यहाँ पर लगभग 1/4 कप है किडनी बीन्स राजमा, थोड़े से टमेटो, अनियंस, शिमला मिर्च मतलब ग्रीन बेल पेपर, मैंगो चॉप करना है आपने, उसके बाद मेरे पास स्पेनिश है यहाँ पर चॉप की हुई. ये मैंने सॉस बनाई है, दही योगर्ट और कैचअप को मिक्स कर आप मिक्स सॉस बनाएं. थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं अगर थोड़ी लिक्विड रखने के लिए. कैचअप, गार्लिक मेरे पास है, गार्लिक पाउडर, सीजनिंग है मतलब सॉल्ट पेपर एडेड है इसके अंदर, पार्सले मेरे पास है, पार्सले फ्लेक्स, बेसिल लीव मतलब तुलसी. शुरू करते हैं अपनी रेसिपी. सो आपने देखा कि मैंने इसको कैसे बनाया. बहुत ही सिंपल है, बहुत अलग अलग तरह की मैंने चीज़ें ऐड की हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड की है ताकि आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिले आपकी एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए. प्रॉपर अमीनो एसिड चाहिए, प्रॉपर आपको स्लो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है मतलब स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब चाहिए, हेल्दी फैट चाहिए, जो भी आपको इसके अंदर चाहिए वो सारा कुछ इसके अंदर है. अब आपको मालूम है कि इसके अंदर काफ़ी कार्ब्स एडेड हैं. अब इसकी जो मैक्रो ब्रेकडाउन है वो है अराउंड 68 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 10 ग्राम्स ऑफ फैट. आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं अगर ज़्यादा आपको लगे. सो अगर आप इसके अंदर से स्वीट पोटैटो एंड मैंगो निकाल दें तो ये फैट लॉस मील बन जाएगी, सिंपल. सो किस तरह से कार्ब ऐड करने से मसल गेन होते हैं, किस तरह से कार्ब को एलिमिनेट करने से फैट ड्रॉप होती है, ये आप समझ सकते हैं. सेम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सिर्फ मैक्रो को आपने चेंज करना है बेस्ड ऑन योर गोल्स. तो जैसे कि मैस अप प्रोग्राम है, हमें कार्ब्स चाहिए और हमें स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब चाहिए, उसके साथ हमें फाइबर बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि हमारी बॉल मूवमेंट बने, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिंस एंड मिनरल्स ताकि हमारी डाइजेशन अच्छी हो, बॉल मूवमेंट बनती रहे. नाउ इसके अंदर मैंने स्वीट पोटैटो यूज़ किया है. स्वीट पोटैटो इंडिया के अंदर मिलता है, हर जगह मिलता है, आप कोशिश करें स्वीट पोटैटो ही यूज़ करें. अगर नहीं है तो आप वाइट पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स है, वो इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी इट्स फाइन अगर आप वाइट पोटैटो यूज़ करें. लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और वो है डेफिनेटली याम्स या फिर आप स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल करें. नाउ पोटैटो को क्या कर सकते हैं, मैंने पोटैटो को बेक किया माइक्रोवेव के अंदर. आप चाहे माइक्रोवेव में बेक कर सकते हैं, उसको कट कर माइक्रोवेव में रखते हैं स्लाइस कर. दूसरा ऑप्शन आप इसको बेक कर सकते हैं अवन के अंदर. तीसरा ऑप्शन आप इसको जैसे आलू उबालते हैं आलू रोटी के लिए कुकर के अंदर या पानी में, तो आप वैसे आलू उबालने के बाद उसका छिलका उतारें और उसको मैश करें और बॉल में ऐड करें. हाँ, मेरे पास पनीर का इस्तेमाल किया है, 50 से 55 ग्राम पनीर है, लो फैट पनीर,
तो ज़्यादा पनीर ना ऐड करें, पनीर के अंदर फैट और प्रोटीन इक्वल होता है। तो अगर 10 ग्राम प्रोटीन, अगर पनीर के अंदर 10 ग्राम फैट है तो ऑलमोस्ट 9 से 10 ग्राम प्रोटीन है। सो हमें फैट भी ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि पनीर के अंदर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। बाद इसके अंदर 40 से 50 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होगा जो कि स्टिल फाइन है अगर आप दिन में लेते हैं। राजमा मैंने ऐड किए हैं, राजमा आप थोड़े से ऐड जरूर करें, हर जगह मिलते हैं इंडिया के अंदर, बॉयल करके रखें, बल्क में बना कर रखें। इसके अंदर मैंने चिकन ऐड किया है, लगभग 50 से 60 ग्राम चिकन ग्रिल का इस्तेमाल किया है। अगर आप चिकन नहीं खाते तो आप थोड़ा सा पनीर और बीन्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आप चिकन प्रेजेंट नहीं है आप घर के अंदर और एग वाइट आप खाते हैं तो 3 एग्स बॉयल करें और उसको चॉप करें और इसके अंदर चिकन की जगह एग बॉयल्स ऐड कर दें, क्योंकि हमें लगभग 12 ग्राम प्रोटीन जो है चिकन से आ रहा है। तो हम हाफ ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जैसे बोला 50 से 55 ग्राम चिकन और उतना ही हमने पनीर यूज करना है। इसके अंदर मैंने वो वेजिटेबल आपको सभी मिलेंगे इंडिया के अंदर, शिमला मिर्च है इसके अंदर, वो इंडिया के अंदर है शिमला, इसके अंदर अनियंस है, टमेटोज है, आप रेड अनियन का, फ्रेश रेड अनियन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका, फ्रेश रेड अनियन। स्पिनिश यूज किया, स्पिनिश को आप थोड़ी स्पिनिश लेंगे 1/2 कप 1 कप और उसको बारीक सी चॉप कर ऊपर आपने ऐड करना है, कुक नहीं करना है, तो बहुत अच्छा टेस्ट है। योगर्ट मैंने यूज किया है एज अ सॉस, मतलब कि कर्ड दही का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा दही, 4 चम्मच दही, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करें, मिक्स करें और उसके अंदर थोड़ा सा आप 1 स्पून कैचअप ऐड कर सकते हैं तो वो सॉस बन जाएगी। आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर और उसको आपने टॉपिंग किया, मैंने इसके अंदर टॉप किया, आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंगो का इस्तेमाल किया है, अगर मैंगो सीजनल फ्रूट है इस समय अगर नहीं मिल रहा तो पाइनएप्पल करें ले सकते हैं आप 1/3 कप, लेकिन मैंगो इसका बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। आप मैंगो या पाइनएप्पल कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया हुआ टॉप 3 वीडियो के अंदर कि मैंगो एंड पाइनएप्पल एक टॉप साइज बिल्डिंग फ्रूट्स है क्योंकि हाई इन कैलोरीज ज्यादा है इसके अंदर, शुगर ज्यादा है, लेकिन नेचुरल शुगर है आपको चाहिए इस प्रोग्राम के दौरान क्योंकि आपका वर्कआउट भी इंटेंस है। तो ये एक सिंपल सी रेसिपी, अगर आप इसके अंदर चाहें तो फ्लैक्स सीड ऐड कर सकते हैं, अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं एवोकाडो मिलता है आप तो आप यहाँ पर एवोकाडो 1 से 2 औंस एवोकाडो मतलब 1/4 हिस्सा 1/3 हिस्सा एवोकाडो का आप ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर और क्रिएटिव करना चाहें तो आप इसके अंदर पीनट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट मैं काफ़ी चीज़ें चेंज करता रहता हूँ फ्लेवर के लिए, और सिर्फ आप कैसे इसको चेंज करते हैं, किस तरह से मैक्रो भी बैलेंस हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आपको मिले, मैक्रो भी मिले और आपका टेस्ट भी बढ़िया है, दैट्स समथिंग जो मेरा यही काम है। और एक नई रेसिपी मैंने आपके लिए बनाई है मसल बिल्डर स्वीट पोटैटो या मसल बिल्डिंग पोटैटो बॉल है आपके लिए, और परफेक्ट है आपके लिए मसल बिल्डिंग के दौरान, और अपनी मैक्रो जो है आप कार्ब को एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर 68 ग्राम कार्ब आपको लगे ज़्यादा है जैसा आपको मैं बताता आ रहा हूँ हर मील में, तो आप नीचे न्यूट्रिशन PDF है वो डाउनलोड करें और उसमें चेक करें मैंने क्या ऐड किया, एलिमिनेट क्या कर सकते हैं। तो आप 10 से 15 से 20 ग्राम कार्ब एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि थोड़ी सी फैट गेन हो रही है, बट अगर मैंने बोला आपको डोंट वरी, अगर आप 10 पाउंड मसल गेन कर रहे हैं उसके अंदर 1 पाउंड फैट है, डोंट वरी, इट्स जस्ट 10% जो फैट है वो रिमूव हो जाएगी जब आप प्रोग्राम खत्म करेंगे, तो आप फैट लॉस ड्रॉप प्रोग्राम फॉलो करेंगे तो आप वहां से एलिमिनेट कर देंगे, या आप थोड़ी सी 10 ग्राम से 15 ग्राम पर मील कार्ब कम कर सकते हैं अपनी हाइट वेट के अकॉर्डिंग। तो ये थी मेरी आपके लिए लंच मील, मसल बिल्डर पोटैटो बॉल, परफेक्ट मील है ये, हर कोई खा सकता है, आप इससे पोटैटो एंड मैंगो निकाल दें और फैट लॉस वाले लोग भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, घर के अंदर आपके पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर सभी ले सकते हैं, थोड़ा सा कंटेंट कार्ब का ड्रॉप कर दें क्योंकि आपको पेरेंट्स को इतना ज़्यादा कार्ब देने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वीट पोटैटो हाफ कर दें, मैंगो निकाल दें, बाकी सारे जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है जो न्यूट्रिएंट्स है वो ह्यूमन के लिए सभी के लिए ज़रूरी है। तो गाइज ये थी मेरी मील नंबर 3, दिस इज गुरुमान गाइज, टेक केयर, ओवर एंड आउट, बाय।